आप दो घंटे से यहाँ पर बैठे होते, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। तो आइए सुरेंद्र भैया भी आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं एक गीत, उसके बाद इस सेशन को अपन कंक्लूड करेंगे और सब लंच के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। सुरेंद्र भैया जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। मैं अवनीश विजय, पिछले 18 सालों से इसी एजुकेशन लाइन में हूँ, देश विदेश में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे शायद गिरधर भाई साहब ने ये सम्मान दिया कि मैं यहाँ पर आकर कुछ कैरियर के बारे में कुछ बातें कर सकूँ, क्योंकि पिछले काफी सालों से हम लोग यही करते आ रहे हैं। ब्रीफ बताऊंगा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा। अवनीश विजय एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अभी उद्धार मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस मानसरोवर में। इंजीनियर हूँ, मैनेजमेंट किया तो मैनेजमेंट में भी पढ़ा रहा हूँ। डीन भी हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट मेंटरिंग एंड सपोर्ट, स्टूडेंट्स को मेंटर भी करते हैं, तो इसलिए कैरियर वाला जो पार्ट है कैरियर काउंसलिंग वो हम लोग करते रहते हैं। उसी में हमें, चूंकि ये समय भी ऐसा है कि सभी जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं और युवा वर्ग है वो अपने लिए कुछ कैरियर देख रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं और उनको अपना कुछ कैरियर बनाना है आगे। तो इसमें मैं जनरली जो हम लोग बोलते हैं बच्चों को या पेरेंट्स को कि हम थ्री इडियट्स को सब देखते हैं, उसकी तारीफ करके आ जाते हैं बाहर और बाहर आप ही भूल जाते हैं कि बच्चे को क्या बनना चाहिए। उसको हम पुश करते हैं सिर्फ इंजीनियर बन जा बेटा, डॉक्टर बन जा, लेकिन दुनिया में इतने सारे कैरियर्स हैं कि जिनके बारे में कई लोगों को तो पता भी नहीं है। इनफैक्ट
क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में आते हैं तो वो कॉलेज वाला भी सिर्फ वही बातें करता है जो उसके पास कोर्सेज होते हैं। हम थोड़ा सा अलग भी करते हैं कि अगर बच्चा हमें लगता है कि यार इंजीनियर बन सकता है लेकिन हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं है तो हम उसको पुश करते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तेरे में टैलेंट है, तू उस तरह का है और इंजीनियरिंग तेरे लिए सही होगी। तो वही मुझे यहाँ पे बोला गया कि भैया कॉलेज का प्रचार नहीं है, प्रॉपर करियर काउंसलिंग आपको करनी है। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे का कोई भी हम थॉट एनालिसिस नहीं करते, हम स्ट्रेंथ बच्चे की नहीं देखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है, क्या बच्चे में कोई क्रिएटिविटी है कि नहीं है, क्या बच्चे में कोई पीपल ओरिएंटेशन है या नहीं है। जनरली ये तीन क्वालिटीज हर इंसान में होती है, आपके मुझ में सभी में। तो अगर हम वो एनालिसिस कर लें बच्चे के साथ कि यार इसमें क्वालिटी क्या है और उस हिसाब से उसको कैरियर दिया जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। मुकुंदरा टाइगर्स कोटा के हमारे डायरेक्टर ऑनर श्री विमल विजय वर्गीय, आपकी तालियां बजनी चाहिए मुकुंदरा टाइगर्स। श्री विमल विजय वर्गीय को प्रतीक चिन्ह से हमारे विजय वर्गीय समाज जयपुर के वरिष्ठ जन आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी विजय वर्गीय साहब, श्रीमान राधेश्याम जी साहब, श्रीमान राजेंद्र जी विजय वर्गीय साहब, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, श्रीमान सुशील जी, राजेंद्र जी, तमाम हमारे कोर कमेटी के सदस्य गिरधर जी, राजेंद्र जी एडवोकेट, राजेश जी, सभी बंधुगण, दिनेश जी टुप्पी वाले, सभी बंधुगण हमारे श्रीमान दिलीप जी को प्रतीक चिन्ह नवाज रहे हैं और श्री अमित विजय वर्गीय को जो जयपुर सुपर किंग्स के ऑनर हैं और शुभलग कंसल्टेंट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं, भैया अमित विजय वर्गीय को प्रतीक चिन्ह से नवाजा जा रहा है। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah.